जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ यानी कॉरपोरेट लॉ का आज एग्जाम हुआ है। आज 29 जून है 2022। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की आज कंपनी लॉ बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्जाम संपन्न हुआ। और ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बहुत दिन पहले ही लिखवा दिया था, जिसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन थे और ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसकी वीडियो कई दिन पहले ही हमने YouTube पर अपलोड कर दिया था, यह समझ करके कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इनमें से ही ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो अब हम इस बात का रिव्यू करेंगे कि अनुमानित प्रश्न जो बताए गए थे उसमें से कितने प्रश्न इस एग्जाम में आए हैं। तो हमारे सामने ये रहा एग्जाम पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर। इससे हम आपको ये बताने चाहेंगे कि अब हमने बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंट का पेपर बनाया है और कॉस्ट अकाउंट के पेपर में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को ही हम आपके सामने पेश करेंगे। और उससे पहले कंपनी लॉ यानी कि कॉरपोरेट लॉ, जो कंपनी लॉ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे कॉरपोरेट लॉ भी बोलते हैं, तो इसका जो प्रश्न आज एग्जाम में आया है वह हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न से कितने मिलते हैं, यानी कितना प्रतिशत या 100% पूरा का पूरा प्रश्न हमने आपको बताया है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीकॉम एनुअल एग्जामिनेशन 2022 और कंपनी लॉ C201 CCS यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, यह आपके सामने है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चलिए मिलाना शुरू करते हैं इसके प्रश्नों को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है, सार्वजनिक कंपनी से क्या आशय है, यानी सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी क्या है। तो हमने जब इसको प्रश्न आपको दिखाया था तो यहाँ पर हमने कंपनी के प्रकार लिखे थे, जिसमें निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब यह प्रश्न 100% मैच हो रहा है। दूसरा है, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र किस प्रकार की कंपनी को लेना अनिवार्य है। ये तो पब्लिक कंपनी को लेना अनिवार्य है, यह एक थ्योरी का प्रश्न नहीं बल्कि यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न हो गया है। यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है उसको यहाँ पर कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिखा गया है। यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंपल्सरी, तो इसी कंपनी को होता है जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। इसमें है अगला, व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी अंशों के हस्तांकन से क्या आशय है। तो अंशों के हस्तांकन मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर के बारे में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था एक जगह कोरा हस्तांतरण, आप देखेंगे तो कोरा हस्तांतरण यहाँ लिखा गया है। और कोरा हस्तांतरण अगर आपने पढ़ा है तो इसमें यही बताया गया है कि अंशों को किस प्रकार से हम दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित करते हैं। तो अंशों के हस्तांकन से मतलब यही होता है, अगर विक्रेता का नाम लिखा गया है और क्रेता का नाम नहीं लिखा है तो कोरा हो गया, अगर उसमें क्रेता विक्रेता दोनों का नाम लिखा है तो वह अंशों का हस्तांकन हो जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। गण पूर्ति से आप क्या समझते हैं, यानी कोरम, कोरम क्या होता है शॉर्ट में आप देखेंगे, शॉर्ट में हमने लिखवाया कोरम क्या है। इसके बाद पूछा गया है पार्षद सीमा नियम क्या, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने पार्षद सीमा अंतर नियम के बारे में बताया है, लेकिन अगर आप देखेंगे लॉन्ग में तो यहाँ पर लिखा है पार्षद सीमा नियम का अर्थ क्या है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है और उसकी विषय सामग्री क्या है, यह प्रश्न हमने लिखवा दिया था। संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, संचालकों की नियुक्ति के बारे में हमने नहीं बताया है, लेकिन संचालकों की नियुक्ति का पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं, संचालकों की अयोग्यताएं लिखा गया है, यानी कौन वह व्यक्ति है जो संचालक बन सकता है, तो यहाँ पर यह पॉइंट अच्छी तरह से कवर हो रहा है।
इसके बाद क्वेश्चन आता है पार्षद सीमा नियम की रचनात्मक सूचना का सिद्धांत यानी व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें जो इसके सिक्स क्लॉजेज थे वे लिखे जाएंगे यानी इसकी विषय सामग्री, जिसमें नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब लिखा जाएगा, यानी इसकी विषय सामग्री पूछी गई है। तो इसका मतलब है यह भी प्रश्न बहुत अच्छी तरह से मैच हो रहा है। शॉर्ट, अभी हम लॉन्ग में नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद पूछा गया स्वैच्छिक समापन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी ऐच्छिक समापन यानी कंपनी के समापन से संबंधित यह प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के समापन का आशय व विभिन्न रीतियों में ऐच्छिक समापन और अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा समापन दो भागों में समापन बटा है, जिसमें आपको यहाँ पर ऐच्छिक समापन का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद बोला गया है व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, मीटिंग कितने प्रकार की होती है, उसमें वार्षिक साधारण सभा के बारे में बोला गया है। तो हमने यहाँ पर सभाओं के प्रकार लिखा है, कंपनी की सभाओं के प्रकार। इसमें अंशधारियों की जो सभाएं आप लिखेंगे उसमें तीन सभाएं होती हैं, वार्षिक साधारण सभा और वार्षिक असाधारण सभा और वर्ग सभाएं यानी क्लास मीटिंग। तो उसमें आपकी जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है वार्षिक साधारण सभा, वही यहाँ पर कहा गया है, यानी यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, यहाँ पर बाकायदे जब डिफरेंस करेंगे तो अंश के बारे में ही आपको बताना होता है यानी शेयर क्या है। तो इस सवाल का भी जवाब हमारे पास मिल चुका है, यानी हमने जो क्वेश्चन लिखवाए थे शॉर्ट में वे पूरे के पूरे 100% के 100% यानी 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से मिल गए हैं, यानी लिखवाए हुए प्रश्नों में से बिल्कुल 100% डिक्टो मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में आते हैं, निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए, एक निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में बदलने की प्रक्रिया का उसकी व्याख्या कीजिए, यानी डिफाइन प्राइवेट कंपनी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी टू ए पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन के मुताबिक पब्लिक कंपनी में निजी कंपनी को कैसे कन्वर्ट किया जाए और या निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कहूँगा कि मैंने लिखा है पूरा, हालांकि मैंने लिखा तो है परंतु मैंने पूरा नहीं लिखा है। यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि जब बताया गया था यहाँ पर कंपनी के प्रकार, तो यहाँ पर निजी कंपनी के बारे में आप बता ही देंगे कि निजी कंपनी होती है और सार्वजनिक कंपनी होती है, प्रकार में तो कवर हो जाएगा। निजी और सार्वजनिक में हम इन दोनों का अंतर कवर करेंगे, लेकिन निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कैसे बदला जा सकता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने 9 प्रश्न ही लिखे थे महत्वपूर्ण, यह सोच करके कि जो 8 प्रश्न आएंगे उसमें आपको 4 ही तो करना होगा, तो 9 प्रश्न में से 4 आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये पूरी तरह से नहीं मैच हो रहा है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बोला गया इसको करिए या आप इसको करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न खंडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पर आप प्राप्त कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने इसका परिवर्तन भी बता दिया था आगे, लेकिन हालांकि आपका क्वेश्चन तो विषय सामग्री तक ही सीमित रह गया, यानी यह सवाल भी आपको पूरी तरह से मैच हो गया, यानी जो 15 नंबर का प्रश्न है उसमें से आपको इन दोनों में से एक करना था, तो ये आपका मैच हो गया है। शेयर जब्त क्या है, शेयर की जब्ती की प्रक्रिया और प्रभाव की व्याख्या कीजिए, इसको हमने नहीं लिखा हुआ है पूरे कहीं भी सवाल में, लेकिन क्वेश्चन नंबर इसका जो अथवा में दिया हुआ है और करके प्रवर्तक के बारे में, प्रवर्तक की परिभाषा बताइए और किसी कंपनी के संदर्भ में उसके कार्य क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, यानी डिफाइन द टर्म प्रमोटर और व्हाट आर इट्स फंक्शन विद रिफरेंस टू द कंपनी, स्टेट द राइट्स ऑफ प्रमोटर। तो अब आप प्रवर्तक को देखेंगे, कंपनी के प्रवर्तक, उसके कार्य व अधिकार एवं दायित्व। यहाँ पर आप इस प्रश्न का जवाब हमारे इस अनुमानित प्रश्न में बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, तो यानी कि यह भी क्वेश्चन मैच हो रहा है प्रमोटर वाला, जिसमें उसके राइट और ड्यूटीज लिखा गया है। इसको मैंने इंग्लिश में भी बताया हुआ है यहाँ पर, और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया है
फंक्शन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स आप देख रहे हैं यह प्रश्न। तो मैंने इस प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी आपके सामने दोनों में मतलब भाषाओं में लिखा था ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन संचाल मतलब संचालकों के क्या अधिकार हैं, कंपनी अधिनियम के अधीन उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके दायित्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर, व्हाट आर इट्स ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट, स्टेट ब्रीफली देयर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को जरूर बताया है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है संचालकों के अधिकार व कर्तव्य। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी यह भी प्रश्न बताए हुए प्रश्नों में से मैच हो रहा है। जबकि इसका अथवा में जो प्रश्न है कंपनी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में संबंधित जो भी है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया है, हालांकि इसके बारे में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। मेरा अनुमान यही था कि आपको जो भी प्रश्न बताएंगे वह आपको चार के चारों बिल्कुल मैच होगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का समापन क्या है, एक कंपनी के समापन की परिस्थितियों यानी किन किन परिस्थितियों तो कंपनी समाप्त होगा या कंपनी के समापन के क्या तरीके होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी के समापन का आशय व विभिन्न रीतियाँ, इसका मतलब साफ है कि हमारा जो अनुमानित प्रश्न था वह बिल्कुल मैच हो गया है। जबकि इन्होंने यहीं पर दूसरा क्वेश्चन और पूछा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी, साधारण सभाएं जो होती हैं वो कितने भागों में बटी हैं, तो उनके भाग यानी उनके प्रकार बताने होंगे, जो कि यहाँ बोला गया है कंपनी की विभिन्न प्रकार की आम बैठकों की व्याख्या कीजिए। आम बैठकों का मतलब होता है कंपनी में कितनी बैठक होती है। समापन भी आपका मैच हो रहा है और कंपनी की मीटिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कंपनी की सभाओं के प्रकार, यानी कि कंपनी की मीटिंग कितने प्रकार की होती है। तो अब यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया और आपको ये भी पता चल गया है कि जो प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हैं 9 प्रश्न हमने लॉन्ग के लिखे थे और हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन यानी कि 20 प्रश्न हमने शॉर्ट के लिखे थे, जिसमें से पूरे का पूरा मतलब ये पूरा का पूरा पेपर आज के एग्जाम में 100% इसमें से कवर किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, जो आपको प्रश्न अब कॉस्ट अकाउंट का दिखाऊंगा, वह प्रश्न भी आपका 100% मिले और मैच करे एग्जामिनेशन के पेपर से। हाँ, ये हो सकता है कि भाई हमने अपने अनुमान से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने की कोशिश की है, अगर कुछ प्रश्न उसमें से नहीं मैच होते हैं तो वह भाई मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, परंतु मैं कोशिश अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि प्रश्न हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। और हम आपके सामने इस वक्त कॉस्ट अकाउंट का पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों से आपको शॉर्ट और लॉन्ग सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। और इसी के साथ ही मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक में किस प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लागत लेखांकन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य जो एग्जाम अब आपका होने वाला है उसमें आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। और इसमें ये भी लिखा है कि इसके उद्देश्य व कार्य, लागत लेखांकन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य व कार्य यानी व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। दूसरा प्रश्न है लागत लेखांकन व वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। तीसरा प्रश्न है एक आदर्श लेखांकन प्रणाली का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एन आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 4, जॉब और बैच कॉस्टिंग को क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, क्या मतलब एक है क्या थ्योरेटिकल, इसको आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या कॉस्ट, बात एक ही है। यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन, मितव्ययी आदेश मात्रा जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या शॉर्ट में EOQ बोलते हैं, आखिर ये क्या है, बिन पत्रक क्या है, व्हाट इज बिन कार्ड, लीफो फीफो विधि क्या होती है, लीफो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मटेरियल से संबंधित है, आखिर उस मेथड को आपको कैसे लिखना है, आखिर ये मेथड है क्या, इसको आप उदाहरण देकर 2-4 तारीख डाल के बता सकते हैं।
एबीसी सामग्री नियंत्रण विधि यानी कि एबीसी मटेरियल कंट्रोल सिस्टम आखिर क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत बार रिपीट हुआ है। हालसे एवं रोवन मजदूरी बोनस पद्धति क्या है, यानी हालसे एंड रोवन प्रीमियम प्लान क्या है, यह बताना होगा। इसको आप एग्जाम्पल देकर भी समझा सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में एग्जाम्पल है, उसको आप दे करके समझा सकते हैं, इससे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वैसे मेरे पास इसकी वीडियो भी है, अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे कॉस्ट अकाउंट का, तो उसमें हाल से रोवन के बारे में मैंने प्रीमियम प्लान बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य क्षय, असामान्य क्षय एवं असामान्य बचत बताइए। एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्ट, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 है, निविदा मूल्य यानी टेंडर प्राइस क्या है, जिसे हम कोटेशन प्राइस भी बोलते हैं। एकीकृत एवं अएकीकृत लेखा विधि क्या है, इसकी पुस्तकें कौन सी, यानी इसमें कौन से लेजर, कौन से खाते रखे जाते हैं, इनके बही खातों के नाम बताने होंगे। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और इनके लेजर और एडवांटेजेस और इसके लाभ भी बताने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ऊपर हिंदी में तो नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लाभ भी आपको बताना होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षण क्या है, इसके लाभ व प्रकार बताइए। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड टाइप्स। परिवर्तनशील लागत क्या है, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। 16 नंबर प्रश्न, लागत पत्रक का नमूना, अनुमानित रकम को भरकर बनाइए। आपकी किताब में कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को आप पूरी तरह याद कर लीजिए। उसमें अनुमानित रकम 1,000, 2,000, 4,000 भर करके, उसको अगर आपको कहा जाए कि अनुमानित रकम भर करके दिखाइए, तो आप ज़रूर दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, क्योंकि आपके पास दो प्रकार की बुक होंगी। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होंगी, 2-3 साल पुरानी, तो भाई उनके पास जो बुक होगी वो थोड़ी साइज में एक एक वर्ग वाली है, स्वाति पब्लिकेशन की, तो थोड़ी छोटी होगी। और जिनके पास थोड़ी नई वाली बुक होगी तो वो भाई बड़ी होगी। तो हमने यहाँ पर नई बुक का तो पहले क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, ये पुरानी बुक का प्रश्न संख्या है, तो अब आप अपनी बुक से मैच कर लेंगे। ये है न्यू बुक के अकॉर्डिंग और इधर है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, तो मैंने ओल्ड डाल दिए, तो इसका मतलब ये सारे प्रश्न उसी बुक में ही, उसी राइटर स्वाति पब्लिकेशन में ही। ओल्ड बुक का तो ये क्वेश्चन नंबर होगा, न्यू बुक का ये क्वेश्चन नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं मशीन आवर रेट की, तो मशीन आवर रेट में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नई बुक है चौड़ी वाली, उसमें 19 नंबर और 24 नंबर का जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसी जगह पर ओल्ड बुक में 18 और 21 नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कॉस्ट शीट, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 28 और 31 ये क्वेश्चन नंबर आपको ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में है, जबकि ओल्ड बुक में 2, 15 और 17 ये महत्वपूर्ण है। टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य चैप्टर का नाम है, इसमें आप देखेंगे 4, 7 और 11 क्वेश्चन नंबर है, जबकि इसको अगर हम पुरानी बुक में देखेंगे 3, 5 और 1 उदाहरण हमने एग्जाम्पल लगाया हुआ है तीसरे नंबर का। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में 4 और 12 ये तो पुरानी बुक में, नई बुक में है, और ये 5वां और 12वां नंबर का ओल्ड बुक में है। कॉन्ट्री यानी ये वाला पुरा जो है नई बुक से रिलेटेड है और ये वाला पुरानी बुक से रिलेटेड है, कन्फ्यूजन हो जाता बोलते बोलते भी। आज सुबह से दिमाग ख़राब हो रहा है, पक 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 हो रही है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है 4वां और 12वां नंबर न्यू बुक में, और ओल्ड में 5वां और 12वां नंबर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 6, 24, 28, 42 नंबर है, जबकि ओल्ड बुक में ये 5, 22, 27 और 32 नंबर का क्वेश्चन है स्वाति पब्लिकेशन के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग 12, 18, 21 और 35 है, जबकि 17, 20 और 32 ओल्ड बुक में है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 10, 12, 19 ये न्यू बुक में है, जबकि 1, 10, 12, 13 और 17 ये क्वेश्चन नंबर ओल्ड बुक में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर इसका न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो ये सब के न्यूमेरिकल हमने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न सारे सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको सोल्व हुए हुए मिलेंगे। और इसी के साथ ही मैं यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक और आपके अच्छे नंबर आए और आपका अच्छा दिन चले। आज की वीडियो यहीं पर बंद कर रहे हैं और आपसे यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को
शेयर कीजिए भाई, शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पूरा 100% क्वेश्चन बन चुका है और ये सभी बच्चों को अगर पहुंच गया होता तो आज कितने सारे बच्चे जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, कितने बच्चों का जो है बैक चल रहा है, बैक पेपर दे रहे हैं कि मतलब ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कंपनी लॉ की जो पेपर अभी आज हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैक पेपर का फॉर्म भरे थे और आज उनका बैक पेपर भी चल रहा था। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप लोगों ने इसको शेयर कर दिया होता तो कितने बच्चों का भला होता और कितने बच्चे बेचारे जो हैं जिन नर्वस हो गए होंगे, उनकी तैयारी ढंग से नहीं हुई होगी और वो उनका पेपर भी बेकार चला गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, बच्चे इसमें थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लें। 2 तारीख को इसका पेपर है और 4 तारीख में सारा समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो है बीकॉम सेकंड ईयर वालों का पेपर समाप्त होने के बाद थर्ड ईयर की फिर तैयारी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा और इसको आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इस पर एक प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करो यार। मुझे तो कमेंट की और जो है आपके सुझाव की बहुत भूख लगी रहती है कि आप लोग सुझाव देंगे, कुछ मुझे अच्छा आइडिया बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप लोग ना तो शेयर करते हैं, ना ही और लोगों तक पहुँचाते हैं, ना और लोगों का आइडिया मेरे दिमाग में आ पाता है। अरे आप लोग सुझाव दोगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी वीडियो बनाऊँगा और वीडियो आपके हित में तो आपके पास पहुँचेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं अब जो है हमारी और आपकी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।